कलिसिया है, क्या वहां पे प्रार्थना करने वाले लोग हैं जहां पे हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हम अपने फायदे के लिए सोचते हैं कि वहां जाएंगे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, वहां पे काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, वहां पे जाएंगे तो हम घर के ऊपर घर बनाएंगे, वहां पे जाके काम करेंगे तो हम कारें खरीद लेंगे, बाइकें खरीद लेंगे, वहां जाएंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। ये सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी ये सोचते हैं अगर हम वहां जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे परमेश्वर के अंदर रहेंगे? अगर हम वहां चले जाएंगे क्या हमारे बच्चे बाइबल पढ़ेंगे? अगर हम वहां चले जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे परमेश्वर के घर में आएंगे? अगर हम वहां चले जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे जो है फैमिली प्रेयर में बैठेंगे? क्या हम वहां चले जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या परमेश्वर का डर और भय सीखेंगे? अगर हम वहां चले जाएंगे तो क्या परमेश्वर से जुड़े रहेंगे? आज परमेश्वर हम सबसे ये बात कर रहा है। एक बार शिफ्ट होने से पहले एक बार देख लीजिए कि हम कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे आने वाले दिनों के लिए हमें हमारे जीवन में क्या हो सकता है। हमारे बच्चे जहाँ हम चले जा रहे हैं, जहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ से क्या सीखेंगे? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। लोत ने गलत चुनाव किया, उसने सोदोम को चुना, पाप की नगरी को चुना और अपने बच्चों को वहां लेके चले गया। वहां जाके उसके बच्चों ने भी वही सीखा, यानी कि अच्छे चरित्र को बुरी संगति ने भी बिगाड़ दिया। हे भाई और बहनों, आज हमारे बच्चे अगर बिगड़ गए हैं, अगर बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो भाई और बहनों इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने गलत चुनाव किया। लड़ाई झगड़ों को देख के हम उस जगह पे चले गए जब हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। लड़ाई झगड़ों को देख के हम उस जगह पे चले गए जहाँ पे बच्चों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया। हमने अपने लाभ के लिए वहाँ पे चले गए जहाँ हमारे बच्चे जो है परमेश्वर को भूल के व्यभिचार में पड़ गए। हे भाई और बहनों, अगर आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करता है तो भाई और बहनों एक बार लोत को और लोत के दो बच्चों को याद कर लेना। लोत के दो बच्चे, दो बेटियों ने क्या सोचा कि संसार में अब कोई पुरुष नहीं है हमारे पास आने के लिए, चलो हम अपने पिता के साथ व्यभिचार कर लेते हैं। अपने पिता को बड़ी बेटी ने पहले रात में शराब पिलाई और उसके साथ व्यभिचार किया। बड़ी बेटी ने दूसरी से भी कहा, हम अब दूसरे दिन आ गया है, अगर हम उसे फिर से शराब पिलाते हैं और फिर से उसके साथ सोते हैं और हम अपने पिता के लिए वंश पैदा करते हैं। हे भाई और बहनों, इतनी गंदी सोच उनकी बेटियों के जीवन में इसलिए आई क्योंकि उनकी संगति जो थी सही नहीं थी। हे भाई और बहनों, अच्छे चरित्र को जो था बुरी संगति ने बिगाड़ दिया। हे भाई और बहनों, अगर हमारे बच्चे भी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे अच्छे चीज़ें सीखेंगे। अगर हमारे बच्चे जो है परमेश्वर की मंडली के लोगों के साथ रहेंगे तो प्रार्थना सीखेंगे, परमेश्वर के डर को सीखेंगे। अगर हम परमेश्वर के लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारे बच्चों को भी परमेश्वर का डर रहेगा। अगर हम परमेश्वर के घर से दूर जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के लोगों से दूर जाएंगे तो भाई और बहनों हमारे बच्चे जो है वहाँ से दूर हो जाएंगे और वो संसार में गिर जाएंगे और संसार की चीज़ों को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, किसी का डर नहीं रहेगा, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, माता पिता से झूठ बोलेंगे, माता पिता को गलत कहेंगे, माता पिता से गलत करेंगे। हे भाई और बहनों, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे हों? आने वाले भविष्य जो है बच्चे हैं, तो माता पिता के हाथ में है कि हमें बच्चों को कैसा पालना है। हे भाई और बहनों, लोत ने गलत चुनाव किया, सोदोम को चुना, पाप जैसी नगरी को चुना और अपने बच्चों को भी वहाँ पे लेके चले गया और उसके बच्चे भी वहाँ जाके बिगड़ गए। हे भाई और बहनों, आप अपने बच्चों को कहाँ चुन रहे हो? आप अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो? कैसी संगति में रख रहे हो? कैसे लोगों के साथ बैठते हैं वो लोग? क्या हम कभी देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं? नहीं है तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप अपने बच्चों को लेके कहाँ गए हो, कहाँ शिफ्ट हो गए हो?
क्या आपके बच्चों की संगति कैसे लोगों के साथ है? क्या परमेश्वर के डर और भय रखने वालों के साथ आपके बच्चों की संगति है? क्या प्रार्थना करने वालों के साथ आपकी संगति है आपके बच्चों की, कि नहीं, कि संसार के लोगों के साथ आपके बच्चों की संगति है? व्यभिचार करने वालों के साथ क्या आपके बच्चों की संगति है? चोरी करने वालों के साथ आपके बच्चों की संगति है? झूठ बोलने वालों के साथ आपके बच्चों की संगति है? तो भाई और बहनों, इसका कारण है माता पिता, क्योंकि